गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज का वीडियो है एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस के ऊपर और ये स्टोरी मुझे भेजा है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने, उनका नाम है रजनीश दास और रजनीश ने अपनी पूरी स्टोरी मुझे मेल पे बताया है। बट गाइज उन्होंने मेल पे मुझे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस स्टोरी के रिलेटेड, इस एक्सपीरियंस के रिलेटेड उन्होंने मुझे दिया है। बट गाइज मैं वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज स्टोरी के एंड में कुछ बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया गया है किसी पे एंड मेरे पास उस मेल के अलावा और कोई प्रूफ नहीं है कि ये सच है। बट स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड अभी तक आई एम श्योर आप लोग काफ़ी क्यूरियस हो गए होंगे टू नो कि एग्जैक्टली ऐसा क्या एलिगेशन लगाया है और ऐसे मैं एग्जैक्टली क्यों बोल रही हूँ। सो या गाइज ऑन दिस नोट ज्यादा आपको वेट नहीं कराते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज ये जो इंसिडेंट मैं अभी आगे आपको बताऊंगी वो हुआ है ओडिशा के बरगढ़ नाम के जगह से और ये सन 2010 की बात है। सो एग्जैक्टली ये इंसिडेंट, ये एक्सपीरियंस जो हुआ है वो हुआ था एक एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिसका नाम रजनीश ने ऑलरेडी मुझे बताया है बट मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम इंक्लूड नहीं करना चाहूंगी इस वीडियो में। सो एनीवेज रजनीश जो है गाइज वो उस इंस्टीट्यूट में सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट थे और ये जो भी घटना हुआ था ये उस दौरान हुआ था जब फर्स्ट ईयर के बच्चे यू नो जस्ट ज्वाइन किए थे एंड हर स्कूल हर कॉलेजेस में यू नो एक वेलकम पार्टी, एक फ्रेशर्स पार्टी हम लोग करते हैं यू नो फर्स्ट ईयर्स के लिए। वो टाइम उस वक्त का था एंड ये एग्जैक्ट इंसिडेंट जो था वो एक वेलकम पार्टी के ठीक 3 दिन बाद हुआ था। अब हुआ एग्जैक्टली क्या था वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो गाइज उस इंस्टीट्यूट में 6 फ्लोर थे जिसका फर्स्ट 2 फ्लोर में यू नो सिर्फ क्लासेस होते थे और बाकी के 4 फ्लोर में जो स्टूडेंट्स है लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये बच्चे वहां पे रहते थे। सो बेसिकली वो हॉस्टल था। सो हुआ ये था एक दिन की रात को ठीक 12 बजे 4 दोस्त जिनमें से एक का नाम है राहुल, दूसरा है अश्विन, देन श्रीकार एंड उसके बाद है पापुन, ये 4 स्टूडेंट्स, ये 4 दोस्तों ने डिसाइड किया कि एक गेम खेलते हैं और वो गेम था प्लानचिट जिसमें यू नो स्पिरिट्स बुलाया जाता है। सो गाइस इस टॉपिक पे मैंने एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस अपने चैनल में ऑलरेडी शेयर कर रखा है एंड वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। मैंने उस वीडियो में भी कहा था और अभी इस वीडियो में भी कहूँगी दैट गाइस ऐसे गेम्स में प्लीज़ अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। आपको हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, आप एक्साइटेड फील करते हो, दैट इज़ फाइन, बट आप इससे ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ों पे इन्वॉल्व मत होइए बिकॉज ऐसे गेम्स का नतीजा यू नो हम लोग को सीरियसली नहीं पता होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। सो एनीवे नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो ये चारों दोस्तों ने ये डिसाइड किया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये गेम खेलते हैं। नाउ ठीक 12 बजे उन्होंने ये गेम खेलना शुरू किया है और सारे रूल्स के हिसाब से, मतलब एक भी रूल इधर उधर नहीं है, एकदम परफेक्टली रूल्स के हिसाब से उन्होंने गेम प्लान कर दिया है। नाउ मोस्ट अजीब बात यह है कि उनको जो है स्पिरिट बुलाना तो आता है बट उनको स्पिरिट को वापस भेजना नहीं आता था। सो ऑब्वियस बात है जब आपको सिर्फ बुलाना आता है और वापस नहीं भेजना आता है तो डेफिनेटली सिचुएशन खराब ही होने वाला था। बट उनको यही लगा था कि यार मतलब बुला लेंगे उसके बाद उसी वे में वो चले भी जाएंगे। तो जब आप ये गेम खेलते हो आप इतने एक्साइटेड रहते हो कि आपको नहीं पता होता है कि इसका नतीजा यू नो क्या हो सकता है, या फिर एक टाइम पे तो ये भी लगता होगा कि क्या पता आता है कि नहीं आता है, पता नहीं। तो आई एम श्योर यही लगा था और नहीं भेजना आता है इसके बावजूद उन्होंने ये गेम खेलना शुरू किया। तो गेम के थोड़ी देर बाद फाइनली एक स्पिरिट आती है, आती है इसलिए बिकॉज वो एक फीमेल स्पिरिट थी एंड वो आत्मा जो है वन ऑफ द फ्रेंड, वन ऑफ द स्टूडेंट जिनका नाम है अश्विन, उनके यू नो बॉडी में वो आत्मा जो है वो घुस जाती है। सो ऑब्वियस बात है सिचुएशन डेंजरस था, बहुत स्कैरी था एंड बाकी के जो 3 दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं बिकॉज अश्विन जो है वो एकदम एग्रेसिव होने लगते हैं, वो काबू में नहीं आते हैं किसी के। सो वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जो बाकी के 3 दोस्त थे उनके वो उनके भी हाथ में नहीं आ रहे थे, मतलब वो सारे चारों की एनर्जी वो एक बंदे पे आ गई थी, ऐसा सिचुएशन हो गया था।
सो ऑब्वियस बात है राहुल श्रीकर और पापुन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और वो तुरंत ही वार्डन के तरफ भागे। तो उन्होंने वार्डन को बोला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप आइए हमारे साथ। तो वार्डन भी ऑब्वियसली शॉक हो गए कि एक तो बहुत लेट हो गया था जब सब बच्चों के सोने का टाइम था एंड वो ऐसे सिचुएशन लेकर उनके पास आए। तो उस वार्डन ने बाकी तीन वार्डन को कहा और वो चारों एक साथ अश्विन के पास पहुंचे और सिचुएशन अगेन उनको बहुत ज़्यादा डेंजरस लगा, बहुत स्कैरी था। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे प्रिंसिपल को कॉल लगाया और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आइए, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गया है। तो प्रिंसिपल भी रात को 12 बजे के बाद वहाँ पे आना पड़ा इस सिचुएशन की वजह से। फाइनली जब प्रिंसिपल आए वहाँ पे और उन्होंने पूछताछ की बाकी के दोस्तों के साथ, दैट इज राहुल श्रीकर और पापुन के साथ, तो उनको जब पता चला कि ये स्टूडेंट्स, ये बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा था, इससे वो बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने खूब डांटना शुरू किया। एंड उसके बाद उन्होंने अश्विन को उसी वक्त सभी ने मिलकर एक तांत्रिक के पास ले गए क्योंकि पता चल गया था ऑलरेडी कि एक तो उन्होंने ऑब्वियसली गेम प्लान किया था वैसा ही एक स्पिरिट को ही बुलाने का, और अश्विन के बिहेवियर्स में सबको लग गया था कि अश्विन के बॉडी में एक आत्मा है। तो वो लोग फटाफट इसलिए एक तांत्रिक के पास उस रात को ले गए। सो उस तांत्रिक ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी कैसे उस आत्मा को अश्विन के बॉडी से निकाला जाए, भगाया जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारे सवाल पूछे उस आत्मा से ताकि वो कुछ जवाब दे और पता चले कि वो एक्चुअली है कौन। तो एक सवाल जब उन्होंने पूछा, पहले वो एकदम से कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बट उसके बाद जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आई हो, तो गाइज उन्होंने बोला कि उनका नाम रीना है और वो उसी इंस्टीट्यूट में बाय का काम करती थी। और ये सुनकर सभी उस वक्त एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता था कि ये औरत कौन है। एंड उसके बाद जब उस तांत्रिक ने उसे पूछा कि तुम इस शरीर में क्यों हो और इस शरीर को छोड़कर तुम चली जाओ, क्यों नहीं जा रही हो, तो गाइज उन्होंने जो आंसर दिया उस आत्मा ने वो इतना शॉकिंग था कि सब लोग हैरान रह गए उसे सुनकर। और उस आत्मा ने ये कहा कि उस इंस्टीट्यूट में जो वहाँ का हेड शेफ था, उन्होंने उस आत्मा जिसका नाम है रीना, जो बाय का काम करती थी वहाँ पे, उसका उन्होंने रेप किया था। और ये बात को जो है सब लोगों ने, वहाँ के लोगों ने दबा दिया था, जिस वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वहीं पे वो भटक रही है। तो ये बहुत बहुत ही बड़ा एक एलिगेशन टाइप है। अगर कोई एक ह्यूमन, एक जिंदा आदमी अगर ये एलिगेशन किसी पे डाल दे तो डेफिनेटली उस पर केस बनता है कि अगर कोई प्रूफ नहीं है। बट ये सिचुएशन ऐसा था कि सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे, क्या मतलब इनको ट्रस्ट करे क्या नहीं करे, ये सब। ऊपर से ये एक स्पिरिट का सिचुएशन था, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा डेंजरस और शॉकिंग, स्कैरी सब कुछ वो सिचुएशन था। बट फाइनली गाइज बहुत सारे और सवालों के बाद वो आत्मा जो है अश्विन के बॉडी को छोड़कर चली जाती है और अश्विन भी जो है वो हॉस्टल छोड़ देता है, बिकॉज ऑब्वियस बात है इतना चीप सिचुएशन किसी के साथ हो तो इंसान डर ही जाएगा उस जगह में फिर से जाना और रहना तो बिल्कुल। तो अश्विन ने वो हॉस्टल छोड़ दिया था, वो एक डे बोर्डिंग के स्टूडेंट बन गए थे उस वक्त। सो ये थी कहानी गाइस, क्योंकि एलिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड वहाँ पे एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया था, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन द मेल। सो मैंने सही नहीं समझा कि ये मुझे वीडियो पे इंक्लूड करना चाहिए वो नेम्स। रेस्ट ये बात इतनी बड़ी हो गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है भी, कि ये बात इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट के चेयरमैन होते हैं वहाँ तक ये बात चली गई थी। उसके बाद इस बात के लिए क्या एक्शंस लिए गए या फिर क्या पूछताछ हुई होगी ये तो नहीं बताया है रजनीश ने मेल पे। बट एनीवे गाइस, सो दिस वाज दिस स्टोरी एंड ये सिचुएशन स्कैरी है ऑब्वियसली, ये सबको पता है, कोई अपने आप को वैसे सिचुएशन में इमेजिन बिल्कुल नहीं कर सकता है। बट शॉकिंग ये था जो उस आत्मा, जो रीना बाई जो थी उस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा। अगर ये सच है तो ये बहुत सैडनिंग है, बहुत ज़्यादा सैडनिंग है। एंड आई हैव एक्चुअली नथिंग टू से अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें सुनते हैं, बट दिस इज़ वेरी वेरी सैड। एंड इस तरीके से ये बात बाहर आई उन लोग के पास तो बहुत ज़्यादा हर्टफुल एंड सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब था।
सो दिस इज अ स्टोरी गाइस एंड या आई होप कि आपको ये स्टोरी यू नो अच्छी लगी हो सुन के. बट यू वुड ऑलवेज से कि गाइस प्लीज ऐसे यू नो टाइप ऑफ गेम्स आप लोग मत इन्वॉल्व होइए. दिस गेम्स आर वेरी डेंजरस. या गाइस सो दिस इज इट एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. इफ येस देन प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड गाइज ऑल्सो आप लोग को पता है दैट मैं आप लोग की एक्सपीरियंसेस जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं अपने चैनल में यू नो अपने ऑडियंस तक पहुंचाती हूँ. सो अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं शेयर करूँ अपने ऑडियंस के साथ देन आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट डाउन कर सकते हो. और इन सारे अकाउंट्स के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो. सो दिस इज इट गाइज एंड आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून. टिल देन टेक केयर गाइज, स्टे सेफ एंड स्टे होम. बाय.